में पहुंची। स्टार तीरंदाज दीपिका कुमार क्वार्टर फाइनल में पहुंची। टोक्यो ओलंपिक से इस वक्त की बड़ी खबर, ओलंपिक में आठवें दिन भारत की शानदार शुरुआत हुई। बॉक्सिंग में भारत का एक और पदक हुआ पक्का। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन सेमीफाइनल में पहुंची। स्टार तीरंदाज दीपिका कुमार क्वार्टर फाइनल में पहुंची। टोक्यो ओलंपिक में आठवें दिन भारत की शानदार शुरुआत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ खेल संवाददाता विशाल मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विशाल, जिस तरीके से भारत की आज शानदार शुरुआत हुई है, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन सेमीफाइनल में पहुंची है, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे खेल को लेकर? बिल्कुल, यशी, हमारी महिला ब्रिगेड जो ओलंपिक में गई है वो कहीं ना कहीं लगातार कमाल कर रही है। आज सुबह भी आप देख लीजिए, पहली तीरंदाज हमारी जो क्वार्टर फाइनल्स में पहुंची, उनका अर्जेंटीना के तीरंदाज के साथ मुकाबला होगा। और लवलीना की जो शानदार मैच देखने को मिला और वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है, उनका 11:30 बजे मैच होगा, तो कहीं ना कहीं एक मेडल और पक्का हो गया। अब वो मेडल कौन सा होता है ये मैच के बाद पता चलेगा। वुमेन्स हॉकी टीम का मैच चल रहा है, वो भी बहुत अच्छा मैच चल रहा है। फर्स्ट हाफ में भी फिलहाल दोनों टीमों में कोई गोल नहीं है। भारतीय टीम लगातार मेहनत कर रही है, गोल मारने के तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन दोनों एक अच्छा मैच देखने को मिल रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की बेटियां ओलंपिक में भारी नजर आ रही। जी विशाल, आपसे ये भी जान जाएंगे, तीरंदाज दीपिका भी इस वक्त अच्छा कमाल कर रही है, और इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? यशी, बिल्कुल बता दूं आपको, दीपिका पहली इंडियन तीरंदाज हैं जो कि पहुंची हैं क्वार्टर फाइनल्स में। ये बहुत बड़ी बात है अपने लिए कि जिस तरह से तीरंदाजी में लगातार भारतीय टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, और दीपिका ने भी करके दिखाया है, और पहली इंडियन तीरंदाज बनी है वो जो क्वार्टर फाइनल में तीरंदाजी के पहुंची है ओलंपिक में। जी विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ओलंपिक में आठवें दिन भारत की शानदार शुरुआत, स्टार तीरंदाज दीपिका कुमार क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और जैसे कि हमारे खेल संवाददाता विशाल ने बताया कि दीपिका पहली ऐसी तीरंदाज है, भारतीय तीरंदाज है, जो क्वार्टर फाइनल में पहुंची है, और फिलहाल बॉक्सिंग में भारत का पदक पक्का हुआ। और अब आपको कानपुर से खबर बताते हैं, जहां पर डीसीपी